हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एसएससी बैंक रेलवे हर एक एग्ज़ाम्स में परसेंटेज चैप्टर से एग्ज़ाम में आता है और सबसे आसान चैप्टर है और इस चैप्टर को लोग एकदम जीरो लेवल से बेसिक लेवल जीरो लेवल कहाँ से चैप्टर शुरू होता है, ठीक है। तो कभी मैथ्स गड़बड़ है वो इस चैप्टर को अच्छे यानी मेरे साथ जो क्लास करेंगे आज से ये क्लास सभी के लिए फ्री है, यानी जो भी चाहे इस क्लास को कर सकते हैं। यूट्यूब पर ये अवेलेबल होगा। तो सबसे बड़ी बात ये कि हम एकदम जीरो से चलेंगे। इन लोग को ये प्रॉब्लम रहता है कि सर हम पढ़ना तो चाह रहे, मैथ्स नहीं कर रहा, तो हम लोग वहाँ से उस लेवल से चलेंगे। तो ध्यान दे करके पढ़ेंगे और वीडियो को दो तीन बार देखने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं नहीं कर रहा कि बड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं एकदम कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट मतलब जहाँ से ये चैप्टर शुरू होता है वहाँ से लेकर टॉप लेवल तक यानी स्किल मीन्स हम लोग क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखें ये परसेंटेज है क्या, परसेंटेज क्या है तो और परसेंटेज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो नाम ही है इसका क्या, परसेंटेज इसका हिंदी होता है प्रतिशतता। क्या होता है? प्रतिशतता। और जीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक हम लोग क्लास करेंगे, यानी परसेंटेज तो प्रतिशतता, सत्ता यानी पर, ऐसे लिखे पहले पर सेंट, यही मिला देते हैं परसेंट। परसेंट मतलब, पर मतलब होता है आउट ऑफ और सेंट मतलब होता है हंड्रेड। तो आउट ऑफ हंड्रेड यानी सौ में कितना, आउट ऑफ हंड्रेड यानी सौ में एक्स परसेंट यानी एक्स आउट ऑफ हंड्रेड, वाई परसेंट मीन्स वाई आउट ऑफ हंड्रेड। इसको दूसरे ढंग से ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी किस फ्रैक्शन का, किस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर हंड्रेड हो। डिनोमिनेटर कहोगे क्या होता है, हर, यानी फ्रैक्शन में ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर। जैसे यहाँ पे अगर ऐसे नीचे हंड्रेड है तो ये कहेंगे डिनोमिनेटर हंड्रेड है, और ऐसे अगर लिखा हुआ एक्स पर सेंट तो इसका अर्थ हुआ एक्स, ये लाइन कहलाता है पर और सेंट वाला दो जीरो, यानी इसको ऐसे लिख सकते। अगर कहीं पर पचास बटा तीन और नीचे हंड्रेड ऐसे दिया हुआ है, पचास बटा तीन परसेंट लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे, पचास बटा तीन, और ये जो परसेंट है यानी ये पर और ये सेंट। ये नहीं कि सर हंड्रेड कहाँ गया, हंड्रेड तो यहाँ दिख रहा है, हंड्रेड का साइन यही है आउट ऑफ हंड्रेड, तो ये लाइन पर और ये क्या हो गया सेंट। तो एक्स परसेंट अगर है ट्वेंटी परसेंट तो कैसे लिखेंगे, 20 पर सेंट, 20 आउट ऑफ 100, वाई परसेंट वाई आउट ऑफ 100, क्लियर। फ्रैक्शन में हो 16 पूर्णांक 2 बटा 3 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 100 नहीं है तो इसको परसेंटेज में नहीं, उसको बदलना पड़ेगा। तो पहले हम वो नहीं देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि अगर नीचे 100 है, मान लो ऐसे रहता एक बटा तीन और नीचे 100, तो हम लोग क्या लिख सकते थे, एक बटा तीन परसेंट, इसको क्या लिख सकते हो, एक बटा तीन परसेंट। तो परसेंट मतलब ही होता है आउट ऑफ 100, क्लियर। इसके बाद हम लोग देखें कि अगर पॉइंट 0.05
परसेंट अगर दिया हुआ है, पहले से ही परसेंट का साइन है, तो अभी हम लोग क्या समझे कि परसेंट मतलब नीचे 100 होगा, इसका अर्थ है कि 0.05 तो रहेगा ही, लेकिन ये परसेंट का नीचे 100। अब इसको अगर कोई कह रहा है देखो भाई ये परसेंटेज में सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है, का तो सर कभी आप गुना कर दे रहे हैं, कभी भाग दे रहे हैं, नहीं कुछ नहीं, ये परसेंट का साइन ही मतलब बतला रहा है कि नीचे में 100 है। अगर ये 25% ऐसे लिखा हुआ है, इसका अर्थ 25 है और नीचे 100 है। अगर ऐसे लिखा हो मान लो कि 0.4%, तो इसका अर्थ क्या हुआ, ऊपर 0.4 और नीचे परसेंट है। अब ये बाद में हम लोग बदलना सीखेंगे कि कैसे बदला जाए, लेकिन ये इतना ही होगा, ठीक है। अब देखें अगर फ्रैक्शन में है, जैसे 6.1/4% और कोई कह रहा है सर इसको परसेंटेज में बदलिए, तो 6.1/4 तो पहले तो पूर्णांक तोड़ लो, पूर्णांक कैसे 6 × 24 और 1 25/4 और परसेंट वाला मतलब नीचे 100 है, नीचे 100 है, और इस 25 से ये 4 बार में कट गया यानी 1/16 है। अगर ये ऐसे रहता कि 12.1/2, तो 12.1/2 को हम लोग 12.5 भी पढ़ते, 12.5% और 12.5% यानी 12.5/2, आप चाहो तो नीचे 100 लिख लो। या इसको ऐसे भी कि सर 12 × 24 और 1 25/2 और नीचे 100 लिख लीजिए, उसके बाद इसको काट दीजिए, 25 × 25 25 × 100 क्या हुआ 1/8। अगर 37% है, 37 1/2%, तो इसको क्या लिखेंगे, 37 × 74 और 1 75/2 गुना 100। पहले तो हमको निकालने आना चाहिए कि परसेंटेज अगर है तो कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, अगर परसेंटेज वैल्यू है तो कैसे लेंगे, तो ये जैसे 75/2 हो गया और यहाँ पे 100 हो गया, तो 37 × 74 कटेगा, 25 × 75 25 × 100 3/8। ऐसे ही अगर 62% है तो 62% आता है कितना 5/8, और अगर 87% है तो ये आता है 7/8, कितना आएगा 7/8। तो ये कुछ ऐसे परसेंटेज मान है जो आपको लर्न कर लेना चाहिए, कौन कौन, तो 12.5% क्या हुआ 1/8, 6.1/4% क्या हुआ 1/16, 37% क्या हुआ 3/8, 62% क्या हुआ 5/8, 87% क्या हुआ 7/8। ये सारे इसको फिर ऐसे ही पूर्णांक किए भी तोड़ते, 2 × 4 और 1 5 होगा ना, 62 × 100 फिर 6 × 12 125/2 है, गुना 100 करते, 25 से ये 5 बार में, 25 से ये 4 बार में, आ गया ना 5/8। लेकिन मैंने क्या बोला, अभी एक बार तो घर पे लिख करके निकाल लीजिए आप लोग, उसके बाद इसको लर्न कर जाओ कि कहीं पर अगर 12.5% है तो 1/8 लेंगे, कहीं पर 37% है तो 3/8 लेंगे, कहीं पे 62% 5/8 लेंगे, 7.5 देखो 12.5 का 3 गुना है 3/8, 12.5 का 5 गुना है 5/8, 7 गुना है 7/8। तो ये ऐसे हम लोग देखेंगे, और भी देखें परसेंटेज में, अगर ऐसे रहता 16.2/3%, तो ये हम लोग क्या जाने कि वैसे ही 16 × 48 2 बनाने का तरीका वही है, 50/3 × 100 50 से ये 2 बार में यानी 1/6। लेकिन ये सारे वैल्यू को आपको लर्न भी अगर कर लेते हो तो एग्जाम में टाइम सेव होगा कि 1/6 है मतलब 16.2/3% है, या 16.2/3% है तो ये कितना होगा 1/6 है, क्लियर। आगे देखते हैं,
इसी में, और आगे जैसे 33.1/3%, तो 33.1/3% यानी 100/3 × 100 कट जाएगा, मतलब 1/3। अब इतना बड़ा फ्रैक्शन कहीं पे दिया रहे तो हम लोग को मालूम है क्या कहते हैं, किसी संख्या का कहेगा इतना परसेंट निकालो, या 3000 रुपये का 33.1/3% निकालिए, तो हम लोग जान गए कि 3000 का 1/3 निकालना है, इतना बोलो या 1/3 बोलो, तो 1/3 मतलब 1000। ऐसे ही 66.2/3% है, तो ये क्या हो जाएगा, 200/3 × 100, ये 100 तो कट गया यानी 2/3। तो यही लर्न कर लेना है क्या कि 35.5% कितना होता है, 35.5% 1/3 होता है, 33.1/3%, और 66.2/3% क्या होगा, तो 2/3। तो ये कुछ ऐसा परसेंटेज है, लर्न किए रहो। फिर अगर हम देखें 14.2/7% है, तो 14 × 97 = 100/7, अब परसेंट है तो कट जाएगा, मतलब 1/7 है, और 7.1/7% है, तो ये आएगा 1/14, कितना आएगा 1/14। तो इन मिक्स फ्रैक्शन को थोड़ा सा घर पे लिखकर कॉपी में पहले 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर सोचना कि आगे कैसे करना। तो ये था कि परसेंटेज। अब देखें कि डेसिमल कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। अगर कोई कहे कि फ्रैक्शन जो दिया हुआ है उसको परसेंटेज में बदलो, जैसे क्वेश्चन रह सकता था 3/4, क्वेश्चन रह सकता है 2/5, क्वेश्चन रह सकता है 1/7, रह सकता है 1/6, रह सकता है 1 या 2/3, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनको किस चीज़ में बदलिए, तो इनको परसेंटेज में बदलना है, किस चीज़ में बदलना है, परसेंटेज। तो परसेंटेज लाना है, अच्छा परसेंटेज देखो, तो परसेंटेज मतलब बाई 100, अगर 100% हम लिखे कि 100%, तो पता है इसको कैसे लिखेंगे, 100/100, और 100/100 मतलब 1, यानी 1 को ही हम लोग 100% भी कह सकते हैं, 100% मतलब 1, फ्रैक्शन में 1 या टोटल 1, तो 200% 2, 300% 3, 500% है 5, क्लियर। अब देखें इनको परसेंटेज में बदलना है तो इनटू 100% करेंगे, 100% मतलब तो 1 होता है, और 1 से किसी को भी गुना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 100%। अब बताओ 4 से कितने बार में कटेगा, 4 से 100 25 बार में, और 25 दिया 75%, यह है 2/5 इंटू 100, 5 से 20 बार में कटेगा, 20 × 40%, और ये क्या है 1/7 × 100%, 7 से कितने बार में भाग दे दो, 7.1/7%। अगला ऐसे ही है 1/6 × 100, तो लगता है ना कटेगा 2 से, 2 × 3 = 6, 2 से ये 50, 50/3 यानी 16.2/3%। अब जब ये 1/ हम लोग कर क्या रहे, हम लोग यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन का फ्रैक्शन तो इतना ही है, हम लोग केवल ये पार्ट बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे मतलब परसेंटेज में लाना है तो 100% से गुना करेंगे, क्लियर, सीधे अपने से परसेंटेज नहीं लगा देंगे, कितना से गुना करेंगे 100% से, देखो यहाँ पे 100% से गुना, देखो यहाँ पे 100% से गुना, 2/3 × 100%, फिर देखो यहाँ ये कितना आ जाएगा, ऐसे ही ये आ जाएगा 66.2/3%। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लिया करोगे,
ऐसा नहीं कि ठीक है एक राउंड पहले तो देख लिया करो, दूसरे राउंड में जब आप पढ़ते रहते हो वीडियो से तो उसको पॉज कर करके हर पेज का नोट पाले करो कि क्या लिखा हुआ है, कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये इसको हम लोग फ्रैक्शन को बदले किस में, परसेंटेज। और ऐसा भी हो सकता है परसेंटेज को कहेगा किस में बदलो, फ्रैक्शन में जो पहले देखे। जैसे अभी देखा था हम लोगों ने 15%, 18%, 25% या 33.1/3% या 14.2/7%। अभी हम लोगों ने ये देखा था कन्वर्ट फ्रैक्शन सॉरी परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, यानी परसेंटेज को हटाना है, कन्वर्ट करना यानी हटाना है, तो हटाना है तो उसी साइन को कहाँ, परसेंट मतलब नीचे 100 है, हट गया साइन, देखो ना 15/100 लिख दो हट गया, और इसको काट दो 5 से 3 बार में, 5 से 20 बार में क्या बोलेंगे 3/20। किसी संख्या का 15% कहो या किसी संख्या का 3/20 को। अगला ऐसे ही 18% मतलब परसेंट दिया हुआ है यानी नीचे 100 दिया हुआ है तो 2 से कटेगा 9 बार में और 2 से ये 50 बार में। ऐसे ही 25% है 25/100, 33.1/3 है तो 100/3 तो लिखे ही, परसेंट है तो नीचे 100, देखो ये कट गया मतलब 1/3। 14.2/7 है तो क्या करेंगे, 14 × 97 और 2 100/7 और परसेंट है तो 100 दे दो, 100 100 कट गया 1/7 आएगा। तो ऐसा कोई भी परसेंटेज में हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में 100 लिख लेंगे, और परसेंट में लाना होता उसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, जो लोग रट्टा मार करके चलते हैं ऐसे लिखते हैं। परसेंटेज में बदलने के लिए फ्रैक्शन को 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, पहला चीज जान गए कि परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई। जैसे क्या देखा 3/4 है तो कैसे बदलो, 3/4 को 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से 25, 25 दिया 75%। एक चीज ये देखा, दूसरा फ्रैक्शन में बदलने के लिए, फ्रैक्शन में बदलना हो तो ये गए परसेंट का साइन हटाकर नीचे 100 लिखते हैं, ये 100 लिखते हैं, जैसे 5% है तो 5/100, जैसे 16.2/3% है तो क्या लिखते 50/3, अब परसेंट है नीचे 100 और काट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल लेंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। हम लोग एकदम बेसिक लेवल से ही चल रहे हैं,
आगे देखें कि एक टर्म आता है वाट परसेंट, इंग्लिश में रहता है वाट परसेंट, हिंदी में रहता है कितना प्रतिशत। कई जगह इसका यूज होता है, ए बी का कितना परसेंट है, 5 केजी का कितना परसेंट 2 केजी है, बॉयज का कितना परसेंट गर्ल्स है, गर्ल्स का कितना परसेंट बॉयज है, बॉयज टोटल स्टूडेंट का कितना परसेंट है, समझ गए। यानी जिसका परसेंट निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। जैसे पहले देखे कितना परसेंट है, तो हिंदी में क्या करेंगे, क्वेश्चन से ही पूछ लेंगे कौन, और यहाँ किसका इंटू 100%। तो हम लोग किससे पूछेंगे, क्वेश्चन से ही पूछ लेंगे कौन किसका। जैसे अगर क्वेश्चन में रहता ए बी का कितना परसेंट है, तो क्वेश्चन से ही पूछेंगे कौन। देखो पूछ करके आप लोग देखो, ए बी का कितना परसेंट, कौन ए किसका बी का, लिखा ही हुआ है ए, कौन ए किसका बी का, तो कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट बराबर क्वेश्चन से क्या पूछेंगे, कौन किसका। या सिंपली जिसका निकालना है ना वो ऊपर, और जिसके सापेक्ष में निकालना है वो नीचे, कौन ए किसका बी का कित इंटू 100। मान लो अगर रहता 5 केजी का कितना परसेंट 2 केजी है, कितना केजी है 2 केजी, क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 केजी का कितना परसेंट कौन है 2 केजी है, कौन 2 किसका 5 का, तो कितना परसेंट पूछा, तो ऐसे लिख लेंगे, और ऊपर में कौन 2 किसका 5 का, तो 2 5 100%। अगर क्वेश्चन है 6 मीटर का कितना प्रतिशत 2 मीटर है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 6 मीटर का कितना परसेंट 2 मीटर है, 6 मीटर का कौन 2 मीटर किसका 6 मीटर का, तो ऊपर क्या लिखेंगे 2। ध्यान क्या देना है कि ये अगर मीटर तो ये भी मीटर, ये सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर, ये किलोग्राम तो ये भी किलोग्राम, ये बिना किलोग्राम तो ये भी बिना किलोग्राम, ये ग्राम तो ये भी ग्राम, क्लियर। तो 2 किसका 6 मीटर का, ये 6 × 100%, यानी क्वेश्चन से ही हम लोग पूछेंगे कौन किसका, क्लियर। तो उसका जवाब क्वेश्चन ही दे देगा, कौन 2 किसका 5 का इंटू 100%, क्लियर है। ऐसे ही अगर देखें 5 मीटर का कितना प्रतिशत 60 सेंटीमीटर है, अब देखो ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, या तो दोनों सेंटीमीटर में होगा या दोनों मीटर में होगा, तो ये 60 सेंटीमीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लो तो ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। अब देखो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, अब क्वेश्चन से पूछ लो कौन 60 सेंटीमीटर किसका 5 मीटर का, यानी अब अगर कितना प्रतिशत पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर 60 और नीचे 500 × 100, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये था बेसिक्स, अगला बेसिक हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज के क्लास को यहीं रोकते हैं।
थोड़ा सा बेसिक पर ज़्यादा ध्यान दो, हर एक चैप्टर के बेसिक में अगर आप ध्यान देते हैं तो वो चैप्टर आपके लिए इजी हो जाता है। जो डायरेक्ट प्रॉब्लम्स पे आते हैं, सर और बड़ा क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन, उनका वो चैप्टर नहीं सुधरता है। तो हम लोग धीरे धीरे वन बाय वन क्लास में आगे बढ़ेंगे और आज से ये क्लास आपको फ्री यूट्यूब पे मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।